अब हम लोग एनिमल किंगडम के थर्ड फाइलम टेनोफोरा के बारे में स्टडी करेंगे। टेनोफोरा को सी वॉलनट या कम्ब जेल के नाम से कॉमनली जाना जाता है। अब इसको देखिएगा तो ये एकदम फुटबॉल की तरह दिख रहा है ना, राउंड, तो फुटबॉल की तरह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियल सिमेट्री होगा, इसका बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जिससे दो टुकड़े इक्वल टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है। इससे पहले सिलेंट्रेटा यानी कि हाइड्रा वगैरह के बारे में जो हम लोग पढ़े थे तो उससे इसका फीचर बहुत ज्यादा मैच करता है। थोड़ा सा ही अंतर हुआ है सेकेंड फाइलम से थर्ड फाइलम में। ओके, सेकेंड क्या हुआ, डिप्लोब्लास्टिक यानी ये इंडोडर्म और एक्टोडर्म होगा, तीन लेयर होता है ना एम्ब्रियोनिक का, तो तीन लेयर में दूसरा लेयर जो होगा वो ठीक से बना नहीं होगा। यहां पे सेलुलर, यहां पे भी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा और ये बीच में जो मेजोडर्म है, मेजोडर्म मेजोग्लिया के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि थ्री लेयर्स इसमें नहीं है। इसके बाद आया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिलेंगे इसमें सेलुलर से थोड़ा सा एक स्टेज बढ़ गया टिश्यू लेवल, ऑर्गेन इसमें भी नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, इसकी जो एक्सटर्नली इसको पहचानना हो तो सबसे सिंपल पहचान है इसका कि इसमें कम्ब प्लेट का, कम्ब प्लेट का, वो भी सीलिएटेड कम्ब प्लेट का एट रो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कम्ब प्लेट, देख रहे हैं ना। अब इस एट रो के हेल्प से ही ये मोशन करता है। मोशन, अगर आपसे कोई कहे कि लोकोमोशन किस बेस पे करता है तो लोकोमोशन वो सिलिएटेड कम प्लेट जो है इसका एट, उसी के बेस पे ही अपना लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरा का पूरा टेनोफोरा का। पहले बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनस मतलब होता है लाइट एमिट करने वाला, और बायो मीन्स लिविंग थिंग, तो वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करता है दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। और जितने भी टेनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर इस फाइलम को अलग किया गया है। नेक्स्ट, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन भी इसमें सेकेंड फाइलम की तरह ही एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकता है, सेल के बाहर भी सेल के भीतर भी। इसके बाद है कि सेक्स की बात करें तो इसमें मेल फीमेल सेपरेट नहीं होता है, दोनों एक ही होता है, मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन, यानी सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मा प्रोडाइट हो गया, जिसमें मेल और फीमेल का बॉडी सेपरेट नहीं होता है, एक ही होता है। दूसरा है रिप्रोडक्शन की बात करें कि किस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है, तो यहां पे भी चेंजेस आ गए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है। इससे पहले जो था उसमें जैसे हाइड्रा है सेकेंड फाइलम में तो उसमें बर्डिंग मिलता है, उससे पहले फ्रेगमेंटेशन मिलता है, तो यानी कि इससे पहले वाले में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लेकिन थर्ड फाइलम टेनोफोरा से ओनली सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। वो भी सेक्सुअल मीन्स में कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होगा वो फीमेल बॉडी से अलग होगा, फीमेल बॉडी के इनसाइड में नहीं होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि एक लार्वा स्टेज बनेगा जो एडल्ट से थोड़ा सा अलग होगा, तो डेवलपमेंट उसका इनडायरेक्ट होगा। इसका दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, वही दो हमने यहां पे लिया है, ल्यूरो, यहां पे पी साइलेंट है, ल्यूरो ब्रॉन्चिया और सी साइलेंट है, यहां पे टेनोप्लाना, यहां पे भी सी साइलेंट है। कुछ बायोलॉजी में वर्ड्स होते हैं जिसमें साइलेंट वर्ड को देखना पड़ता है, नहीं तो स्पेलिंग में वो छूट जाता है। ओके, तो टेनोफोरा में इतना ही। Thank you for watching this.